नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। वो स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, इतनी एक्यूरेट है दोस्तों, अगर आप उस स्ट्रेटजी को अगर ठीक से सीख लेते हैं तो दोस्तों आप उस पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है वो हेड एंड शोल्डर का फेलियर है। देखिए दोस्तों, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में तो मालूम होगा, बट हेड एंड शोल्डर के फेलियर के बारे में आपको मालूम नहीं होगा। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जब ये हेड एंड शोल्डर के जो पैटर्न है जब फेल होते हैं तो दोस्तों आप किस तरीके से वहां पे ट्रेड बना के आप पैसा बना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को दोस्तों मैं पहले की वीडियो में भी बताया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, और लोगों के दोस्तों बहुत कमेंट्स आए और कमेंट्स के ऊपर दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पे हेड एंड शोल्डर के फेलियर पे हम काम करेंगे, तो पहले मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा चार्ट पे और चार्ट पे आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपको पता है अभी दो स्टॉक में दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिले थे। एक तो था स्टॉक दोस्तों SBI, और दूसरा स्टॉक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो था दोस्तों बजाज फाइनेंस। तो यहां पे ये दो स्टॉक्स हैं दोस्तों जिसके बारे में जिक्र करने वाला हूं। तो यहीं पे दोस्तों पहले मैं क्या करता हूं, बजाज फाइनेंस के चार्ट पे आपको लेके जाता हूं। तो यहां पे दोस्तों आपको पता है कि बजाज फाइनेंस के चार्ट पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला था, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों हम यहां पे इसके बारे में बात करेंगे। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है, और ये दोस्तों राइट शोल्डर है जिसके बारे में बात कर रहे थे। और ये दोस्तों जो थी ये हमारी थी नेक लाइन। यहां पे दोस्तों जब नेक लाइन बनी थी, जो मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, ये नेक लाइन यहां पे ब्रेक हो चुकी थी। और इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों इसका जो टारगेट है, अगर मैं बात करूं, ये लेवल है दोस्तों 5350 का, और ये लेवल है दोस्तों यहां पे मान के चलते हैं दोस्तों 5800 का। तो यहां पे जो दोस्तों टारगेट हमें देखने को मिलता यहां से दोस्तों, वो हमें देखने को मिलता 4800 के आसपास। बट ऐसा क्या था कि मार्केट यहां पे आया, कंसोलिडेट करा, और वापस से दोस्तों यहां पे 5600 का हाई देखने को मिल गया था। आज मैं दोस्तों इस स्ट्रेटजी के बारे में खुलासा करने वाला हूं, और मैं पहले की वीडियो में भी बताया था कि मैं हेड एंड शोल्डर के फेलियर पे वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पे मैं इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं क्या करता हूं, ग्रीन बोर्ड पे लेके जाता हूं, और ग्रीन बोर्ड पे ही दोस्तों आपको सही से आपको समझा देता हूं, यानी कि डिटेल में आपको समझा देता हूं। तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे मैं ग्रीन बोर्ड पे लेके जाता हूं। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो हेड एंड शोल्डर बेसिकली क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये अप ट्रेंड में पैटर्न बनता है, ये इस तरीके का पैटर्न होता है दोस्तों। यहां पे लेफ्ट शोल्डर होता है, ये हेड होता है, और यहां पे राइट शोल्डर हमें देखने को मिलता है, और ये होते हैं दोस्तों नेक लाइन, जिसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं नेक लाइन, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये हेड हो गया दोस्तों, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये हो गया राइट शोल्डर। राइट शोल्डर जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेके बनता है। अब यहां पे हम इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं, नेक लाइन को हम सपोर्ट भी बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये जो लेवल है वो है 4800 का, और ये लेवल है दोस्तों हेड एंड शोल्डर का जो हाई है वो है 5200 का। यहां पे हमें लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के हाई से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखते हैं कि जब भी मार्केट यहां पे राइट शोल्डर के सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, यानी कि एक नेकलाइन ब्रेक होती है बेरिश कैंडल के साथ, तो यहां पे बेसिकली आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाते हैं। ये बेसिक दोस्तों आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बता रहा हूं। और यहां पे जो SL होता है वो राइट शोल्डर के हाई का होता है, और जो डिफरेंस दोस्तों हाई का और नेक लाइन के बीच में होता है, जैसे 5200 4800, तो डिफरेंस कितना आया 400 के आसपास का। तो यहीं पे आप आपको अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनानी होती है, यहां पे आपको सेल करना होता है। और यहां पे दोस्तों जो डिफरेंस है, अगर 4800 में से मैं 400 माइनस करूंगा दोस्तों, वो हमारे पास आएगा 4400 का, यानी कि इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो होगा 4400 का। तो ये एक जो स्ट्रेटजी यानी कि एक पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं, ये पैटर्न आज का नहीं है, बहुत पुराना पैटर्न है, बहुत सालों से दोस्तों चलता हुआ जा रहा है। बट आज दोस्तों हम इसको एक नए तरीके से सीखेंगे, यानी कि हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर के फेलियर पे काम कर सकते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे हम इसको समझते हैं, और मैं थोड़ा सा जो एरिया है वो रफ कर देता हूं यहां पे, और यहां पे हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम जाते हैं और इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं, जब भी यहां पे अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, जब भी ये नेकलाइन के ब्रेक होती है, तो ब्रेक होने के बाद दोस्तों हमें कई बार देखने को मिलता है, ये हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में भी आपको समझाया है, कि यहां पे आपको ना इस एरिया में डबल बॉटम ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं।
या फिर कोई कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है, जैसे मॉर्निंग स्टार हैमर, इसके साथ साथ दोस्तों आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल सकता है, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश एनेमी, इसके साथ साथ बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न के साथ साथ दोस्तों आपको ट्वीजर बॉटम भी देखने को मिल सकता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हेड एंड शोल्डर के नीचे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है दोस्तों, इसका सिंपल तरीके से बात करूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो दोस्तों इतना ज्यादा यूनिवर्सल हो चुका है, सबको हेड एंड शोल्डर के बारे में पता है। जब भी आप कोई टेक्निकल एनालिसिस की क्लास लेने जाते हैं या फिर कोई यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, उसमें हेड एंड शोल्डर को दोस्तों चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर कहीं बना भी नहीं होगा तो तब भी बताया जाएगा हेड एंड शोल्डर। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस आता है या थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मालूम होगा तो उसको हेड एंड शोल्डर जरूर आता होगा। अब इतने सब लोगों को हेड एंड शोल्डर के बारे में पता है तो ये पैटर्न तो फेल होगा ही होगा। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी फॉर्म होता है दोस्तों, तो यहां पे हमें ज्यादातर डबल बॉटम के साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल देखने को मिल जाता है। मैं लिख देता हूं डबल बॉटम आपको देखने को मिलेगा, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों डबल बॉटम प्लस आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि बॉटम पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। तो जब भी अगर हेड एंड शोल्डर के नीचे ये दो पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, यहां पे डबल बॉटम और कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो वहां से आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। और दोस्तों यहां पे आप प्रॉफिट राइट करके जो ये राइट शोल्डर है वहां का आप टारगेट ले सकते हैं। इसी के बारे में दोस्तों बात करने वाला था। यही स्ट्रेटेजी के बारे में दोस्तों हम अपने ऑनलाइन कोर्स में बता चुके हैं, और ऑनलाइन कोर्स में दोस्तों स्ट्रेटेजी को हमने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपके सामने बताया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम इसके चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इस एरिया को कर देता हूं थोड़ा सा जूम और यहां पे आप समझेंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अब यहां पे हम देखेंगे, मैं क्या करता हूं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं क्योंकि हमें इस एरिया को समझना है। ये जो एरिया जहां से कंसोलिडेट हुआ था हमें इस एरिया को समझना है, तो यहां से मैं इसको जूम कर देता हूं और यहां पे हमें कैंडल्स क्या होगा फिर प्रॉपर तरीके से दिखेंगे। यहां पे इस तरह देखिएगा, ये देखिएगा। अब यहां पे दोस्तों जब ये नीचे आया था तो यहां पे हमें डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें हैमर भी देखने को मिला। तो डबल कंफर्मेशन देखने को मिली किसमें, डबल बॉटम प्लस हैमर, मैं लिख देता हूं हैमर हमें यहां पे देखने को मिला। तो जब भी दोस्तों हेड एंड शोल्डर के नीचे आपको इस तरीके कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो वहां पे दोस्तों आप अपनी जो क्वांटिटी है वो डबल कर सकते हैं। और यहां से देखेंगे दोस्तों, यहां से जो हाई बना वो कितने का बना, 5600 का हाई आपको देखने को मिल गया। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी आपको देखने को मिले तो आपको ब्लाइंडली काम नहीं करना, आपको समझना है कि हेड एंड शोल्डर का जो सपोर्ट है उसके नीचे आपको डबल बॉटम या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो एक रिवर्सल का साइन होता है। सेम पैटर्न दोस्तों हमें यहां पे एसबीआई में भी देखने को मिला था, और हमने आपको वीडियो में भी बताया था पहले कि एसबीआई में रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। रीजन क्या था, यहां पे हम समझेंगे, क्योंकि यहां पे अगर बात करें तो एसबीआई में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिला था, और यहां पे दोस्तों मार्केट नीचे गया और यहीं से मार्केट क्या हुआ, पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। तो जब भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिले तो हेड एंड शोल्डर के नीचे यानी कि सपोर्ट के नीचे आपको कुछ ना कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं दोस्तों ये स्ट्रेटजी अगर आपको समझ में आई है, और जब भी आपको इन फ्यूचर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा तो हेड एंड शोल्डर के फेलियर पे आप अगर काम करेंगे तो आपका पैसा जरूर 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 बनेगा। बट इस स्ट्रेटजी को हमने थोड़ा सा डिटेल में अपने ऑनलाइन कोर्स में समझाया है, वहां पर हमने कुछ बैक टेस्टिंग भी कराई है, उसको ज्यादा डिटेल में समझाया है, उसके कुछ लॉजिक्स आपको सामने रखे हैं, तो दोस्तों उसको भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि YouTube वीडियो में दोस्तों हम अगर हम देखेंगे कि एक 10-15 मिनट की वीडियो होती है, बट जो स्ट्रेटजी होती है दोस्तों उसको समझाने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है, इसमें हमें बैक टेस्टिंग भी करनी होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों YouTube वीडियो में हमने थोड़ी सी देर में ही आपको समझा दिया, क्योंकि इसमें ना बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, फिर अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी आपको हमसे पूछने होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी आप कोई स्ट्रेटजी सीखते हैं, स्ट्रेटजी वैसे कुछ नहीं होती दोस्तों, बेसिकली एक प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस सीखते हैं तो स्ट्रेटजी आप खुद भी बना सकते हैं, स्ट्रेटजी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप सोचें कि मैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी सीखूंगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपको प्रोसेस नहीं पता, आपको बेसिक नहीं पता दोस्तों, बट आप उसका एडवांस वर्जन सीखना चाहते हैं। तो बेसिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, जबकि नींव मजबूत रहेगी दोस्तों, तो आपकी जो इमारत है ना वो काफी सालों तक रहेगी। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पर जाइए, वहां पर जाकर आपको लॉग इन करना है, लॉग इन करके आपको यूजर आईडी क्रिएट करना है,
जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 7999 है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाया जाता है। दोस्तों कहना चाहूंगा, कंटेंट और क्वालिटी वीडियोस की बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है। वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। यहां पे दोस्तों आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसकी हम बात करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। और यहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि आपको हमारा संडे का वेबिनार भी मिलेगा, मीटअप भी हम दोस्तों बीच बीच में करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है दोस्तों, आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आपको हमारा सपोर्ट है लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, चाहे तो आप ऑप्शन का कोर्स भी कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, किसी भी एक ब्रोकर के पास, तो मैं आपको लाइफ टाइम संडे का जो वेबिनार है फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वेबिनार बेसिकली क्या होता है दोस्तों, वहां पे हम लाइव आते हैं और लाइव दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर देते हैं। आपके क्वेश्चंस दोस्तों ऑप्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो पोजिशनल हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। तो आपके जो भी डाउट है दोस्तों, आप लाइव आइए, लाइव मेरे से पूछे। हर संडे दोस्तों हम लाइव वेबिनार करते हैं। तो अगर ये लाइव वेबिनार आपको फ्री लेने हैं तो दोस्तों दो ब्रोकर्स के लिंक है, किसी भी एक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, मैं आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।